हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भारत का स्थिति और विस्तार पार्ट वन, और आज मैं भारत का स्थिति और विस्तार पार्ट टू के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार पार्ट टू की बात करेंगे। आइए इसमें आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। हम लोगों के हर किसी के कुछ ना कुछ पड़ोसी होते हैं, वैसे ही हमारे भारत के भी कुछ पड़ोसी देश हैं। इनमें शुरुआत करते हैं हम लोग पश्चिम से। पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार। इन सभी सात देशों की सीमाएं भारत की सीमा को स्पर्श कर रही हैं। लेकिन दो और भी हमारे देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। इन देशों की सीमाएं भारत की सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। कुल मिलाकर के भारत के सात और दो नौ पड़ोसी देश। इन देशों में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा रेखा भारत के साथ सबसे लंबी है। उनका आंकड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखने में बांग्लादेश बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ, इसलिए बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे कम सीमा वाला देश अफगानिस्तान है। अक्सर परीक्षाओं में इनका प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। आप सभी देशों का एक एक अक्षर लिख लीजिए। बी फॉर बांग्लादेश, सी से चाइना, ई से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इसको याद रखने के लिए आप BCPN को बचपन कह सकते हैं और MBA बचपन MBA से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। साथ में दो ऐसे देश हैं श्रीलंका और मालदीव, इनका बॉर्डर भारत का नहीं लगता है। तो ये थे हमारे भारत के पड़ोसी। कुल पड़ोसी सात हैं और जिनकी सीमा स्पर्श करती है वो दो हैं, दो द्वीपीय देश हैं जो बचपन MBA के फार्मूले से लंबाई के आधार पर आपने देखे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के अन्य नाम, अदर नेम ऑफ इंडिया। हमारे भारत के कई नाम, जैसे बचपन में आपके भी मम्मी ने कुछ अलग नाम रख दिया, किसी ने कुछ और नाम रख दिया, ऐसे भारत के भी अलग नाम हैं। जिन नामों में पहला नाम हम लोग भारत जानेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत में भरत नाम के प्रतापी राजा हुए थे, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। उन्हीं प्रतापी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा नाम इंडिया, आप भारत के मैप में इंडस रिवर को देख रहे हैं। यूनानी लोग इस इंडस रिवर को, या हम लोग जिसको सिंधु नदी कहते हैं, यूनानी लोग इसको इंडस रिवर कहते थे, और इस इंडस रिवर के अगल बगल के क्षेत्र को उन्होंने इंडिया कहा। इस तरह यूनानियों के द्वारा हमारे देश को इंडिया नाम दिया गया। तीसरा नाम आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और उसी हिंदू नदी के अगल बगल के क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। इस प्रकार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। चौथा नाम आर्यावर्त है। हमारी भारत भूमि आर्यों की भूमि है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम आर्यावर्त रखा गया। इसके अलावा भारत के और भी कई नाम है, ब्रह्मावर्त वगैरह, तो और नाम हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। इसमें कई देश आपको कई रंग में दिखाई दे रहे हैं। महाद्वीप, अगर महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप आकार में बहुत बड़ा होता है, जिसमें कई देश होते हैं, अलग अलग विविधताएं होती हैं। लेकिन भारत के छोटे से पड़ोसी देशों के साथ मिले हुए पार्ट में आपको उत्तर की तरफ पर्वत जैसा दिखाई देगा, दक्षिण में महासागर, पूर्व में पर्वत और सागर की दोनों मिली विशेषताएँ दिखाई देगी, पश्चिम में मरुस्थल, अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, भोजन इत्यादि आपको विविधताएँ देखने को मिलेंगी। इसलिए इस पार्ट को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में पांच देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पांच देश आपको देखने को मिले। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं भारत और पड़ोसी देशों के साथ विवाद। हर किसी का कभी कभी अपने पड़ोसी के साथ विवाद हो जाता है, वैसे ही हमारे देश का पड़ोस के देशों से कुछ ना कुछ विवाद है। इसको हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम से। पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद
उत्तर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियाचिन, पीओके, एलओसी, वहीं रेड क्लिफ लाइन। गुजरात के पास बात करेंगे तो सरक्रीक, 24 डिग्री अक्षांश और कच्छ का रंग है। चाइना के साथ हमारा विवाद एलएसी ऑक्साइड चेन मैक महोन लाइन, इसको ध्यान देना है। अक्सर लोग मैक मोहन पढ़ते हैं, मैक महोन एक अंग्रेज थे, हिंदू नहीं थे। मोहन हिंदुओं का नाम होता है जबकि अंग्रेजों का नाम मोहन नहीं होता है, इसको इसलिए ध्यान देना है। मैक महोन MAHON महोन, अक्सर परीक्षाओं में लोग मोहन पढ़ते हैं, किताबों में भी मोहन लिखा रहता है, लेकिन सही नाम मैक महोन लाइन है। नेपाल के साथ काली रिवर और बांग्लादेश के साथ जीरो लाइन या 3 बीघा गलियारा का विवाद है। आइए हम लोग देखते हैं अलग अलग देशों के साथ अलग अलग विवाद का एक इमेज आपको दिखाएंगे। इस इमेज में पहला इमेज आपको दिखाई दे रहा है सर क्रीक, ये देख रहे हैं आप मैप में गुजरात है और गुजरात के पास सर क्रीक। क्रीक कटा फटा तट होता है, कटे फटे तट को भूगोल की भाषा में क्रीक कहते हैं। तो कटा फटा तट है जहाँ वहीं पाकिस्तान अपना दावा करता है कि मेरा भी आधा है। फिलहाल इस पर अभी विवाद सुलझ नहीं पाया है, सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। दूसरा विवाद आप देख रहे हैं गुजरात का मैप है, इसी गुजरात के मैप में कच्छ का रंग है। कच्छ का रंग जब बरसात का मौसम आता है तो कच्छ के रंग में पानी भर जाता है, और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार अगर दो देशों के बीच कोई झील होता है तो उस पर दोनों देशों का बराबर अधिकार होता है। पाकिस्तान बरसात के मौसम में कच्छ का रंग का फोटो खींचता है और यूएनओ को दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार ये आधा भाग मेरा होना चाहिए, इसलिए आधा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब बरसात खत्म होती है, कच्छ के रंग का पानी सूख जाता है, जमीन निकल आती है, भारत उसका फोटो यूएनओ को दिखाता है और कहता है कि ये झील नहीं है, ये दलदल है, ये जमीन है, ये जमीन मेरी है। कच्छ का रंग, रंग संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है दलदल, दलदल मतलब जमीन। तो जमीन का बंटवारा नहीं होता है, जमीन जिस देश की बाउंड्री में आता है उसी देश में आता है। अब बात करते हैं कि दलदल है, इस दलदल पर अधिकार करने की क्या जरूरत, क्यों ना इसको हम पाकिस्तान को दे दें। लेकिन पाकिस्तान को देने से एक नुकसान है, अगर इसको हम पाकिस्तान को दे देंगे तो कच्छ के रंग दलदल में या कच्छ के रंग में बहुत सारे खनिज हैं, खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, और वो सब पाकिस्तान में चला जाएगा। इसलिए हम कच्छ के रंग को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नहीं देंगे, कच्छ का रंग हमारा है, हमारा ही रहेगा। अगली बात हम लोग करते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। फिल्मों में भी आपने LOC के बारे में देखा है, लेकिन LOC क्या है हम इसको समझते हैं। बात भारत और पाकिस्तान के विभाजन की है। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और धीरे धीरे भारत की सेना में भारत की बाउंड्री में आगे घुसती चली गई। यह बात जब सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री जी को बताई गई तो उन्होंने कहा कि हम उन पर हमला नहीं करेंगे, हम ये बात यूएनओ में ले जाएंगे। जब ये बात यूएनओ में ले जाई गई तो वहाँ पर यूएनओ के द्वारा एक फैसला दिया गया कि हम किसी की सीमा के बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी सेना जहाँ पर है वो सेना वहीं पर रुक जाए और वहीं से एक बाउंड्री लाइन बना लें। इस तरह से पाकिस्तान की सीमा भारत में, पाकिस्तान की सेनाएं भारत में घुस चुकी थी और जहाँ पर सेनाएं थी वहीं से एक लाइन बना ली गई। ये लाइन रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये हमारी LOC लाइन है, हिंदी में इसको नियंत्रण रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ का जो भाग है उसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसको आप इस हरे कलर में देख सकते हैं, जितना भी हरा कलर है ये पहले भारत का था, पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया है। हम लोग इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं जबकि पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहता है और कहता है कि हमने इतना कश्मीर आज़ाद करा लिया है, आगे और कराएंगे। इस तरह की जो नीति है वो पाकिस्तान की है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इस LOC का एक इमेज आप देख रहे हैं, हमारी सेना LOC पर तैनात है, कांटों की बाड़ लगी हुई है और सेना। इसी में एक लास्ट इमेज आप और देख रहे हैं, इस इमेज में एक घुसपैठिया इस बाउंड्री लाइन की कटिलों तारों के बीच से आकर के घुस जा रहा है। इस तरह से भारत में घुसपैठ होती रहती है। अब अगली बात हम लोग करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर, इसको आप LOC के पास एक नीले बिंदु से देख रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। आप नीचे वाली इमेज में देख रहे हैं हमारे सैनिक हैं जो बर्फ पर पोजीशन लिए हुए हैं। आप देख रहे हैं बर्फ है, उनकी ड्रेस भी बर्फ से सफ़ेद हो गई है और यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। सैनिकों की उंगलियाँ गल जाती हैं, इतनी ठंड में हमारे सैनिकों को पहरा देना पड़ता है। इस तरह से ये पाकिस्तान के साथ विवाद था। अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं
डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना। चीन के साथ विवादित क्षेत्र या लाइन, इसमें पहला LAC, दूसरा अक्साई चीन, तीसरा डोकलाम, चौथा मैक मगोन लाइन। एक बार पुनः आ गया है मैक मगोन लाइन। इसको हम एक तरफ देखते हैं, जो इस बिंदु से दिखाया गया है ये पतली सी लाइन LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको आप दूसरे मैप में देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है ये LAC है, इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बाद आपको यही लाल रंग दिखाई दे रहा है, इस मैप में भी वही है। इस लाल रंग को हम लोग अक्साई चाइना कहते हैं, ये हमारा पार्ट था लेकिन चीन के अधिकार में आज है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2017 की। 2017 को डोकलाम में भी चीन के साथ विवाद हुआ था, इसको आप इस मैप में देख सकते हैं। डोकलाम फिलहाल अभी वहाँ पर शांति समझौता हो गया है। और लास्ट मैप में हम लोग फिर पुनः देखेंगे मैक महोन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है, ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा बनाती है मैक महोन लाइन जो 1914 में खींची गई थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत और नेपाल की। भारत और नेपाल दोनों मित्र हैं, झगड़े नहीं होते हैं लेकिन छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच एक विवाद है, इसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की सीमा के पास काली नदी या शारदा नदी बहती है जो भारत और उत्तराखंड की सीमा, भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। विवाद कुछ इस प्रकार है, जिसमें अपने आप देख रहे हैं, हम लोगों का कहना है, भारतीयों का कहना है या भारत का कहना है कि ये डॉटेड लाइन काली नदी है, जबकि नेपाल का कहना है कि सीधी वाली लाइन काली नदी है। इस पर टीम जाकर के सर्वे करती है, इसमें अपने आप काली नदी का मैप भी देख सकते हैं चित्र दिखाया गया है। तो टीम जाकर के सर्वे करती है, लेकिन जहाँ पर टीम जाती है वहाँ दुर्गम है, आना जाना बहुत मुश्किल है, बर्फ पड़ती है, साथ में भूकंपी क्षेत्र है, इसलिए ये विवाद सुलझ नहीं पाता है। फिलहाल यहाँ की जमीन या हमारा नेपाल से मित्रतापूर्वक व्यवहार है, इसलिए हमको बहुत परेशानी नहीं होती है और ये विवाद कोई परेशानी नहीं पहुँचा रहा है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत और बांग्लादेश की। बांग्लादेश झगड़ालू नहीं है लेकिन बांग्लादेश की एक समस्या है, बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में गरीबी है, आय के साधन कम है, इसलिए वहाँ के लोग भारत में घुसपैठ करते हैं, जिसकी वजह से भारत में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो देख सकते हैं आप भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक सामान सा पोल लगा हुआ है जिसमें एक तरफ भारत लिखा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश लिखा हुआ है। कोई सीमा सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे वाले मैप में आप देख रहे हैं भारत का सिपाही खड़ा है, बांग्लादेश का सिपाही है और बीच में सिर्फ एक पत्थर गड़ा हुआ है, आराम से लोग आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इधर आप कुछ लोगों को आते जाते हुए भी देख रहे हैं, तो ये जीरो लाइन है। फिलहाल सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब इस जीरो लाइन पर बाड़ लगाई जाए और बाड़ लगाने का काम भी चल रहा है। दूसरे में आप देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा है, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। और तीसरी इमेज में आप देख रहे हैं 2 महिलाएं किस तरह से दीवार पकड़ कर के उस तरफ जा रही हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कोई विशेष लाइन नहीं बनी है, समय समय पर बांग्लादेशी भारत में घुस आते हैं और हमारे लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज भारत की स्थिति और विस्तार 2 पार्ट देखे। इन वीडियो से अगर आपको कोई लाभ पहुँचता है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, लाइक और शेयर करें ताकि हमारा और हमारी टीम का मनोबल बढ़े। अगले दिन हम लोग अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। हमारा अगला वीडियो होगा भारत के राज। थैंक यू।